इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही संदेश हमारा। मानवता की सेवा के लिए दोस्तों उम्र कभी भी आड़े नहीं आती है। आप कभी भी कहीं भी किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। चलिए पुखराज आज आपको ग्वालियर लिए चलता है। ग्वालियर की लगभग 94 साल की सरला त्रिपाठी की सरलता और मानवता के प्रति समर्पण के आगे तो नतमस्तक हो जाने का मन करता है। उम्र को पछाड़ती, मजबूरियों को किनारे रख पिछले लगभग 27-28 सालों से सरला जी ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर आ जा रही ट्रेन के यात्रियों को पानी पिलाकर पुण्य कमा रही हैं। वे दिन के 8-8 घंटे बिना थके बिना रुके शीतल जल की सेवा निभा रही हैं। लोग तो उन्हें प्यार से मदर टेरेसा भी कहते हैं। बात 1993 की है। सरला जी सफर से लौट रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और स्टेशन पर यात्रियों को पानी की समस्या आ रही थी। गाड़ी छूट ना जाए इसलिए यात्री गाड़ी से उतरने से घबरा रहे थे। बस तभी से सरला जी ने पंजाबी परिषद, जो पहले से ही वहां पर जल की सेवा निभा रही थी, उनके साथ पानी पिलाने का नेक काम शुरू कर दिया। आज ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचते ही प्यासे यात्री अपनी अपनी बॉटल्स को इस उम्मीद से बाहर निकाल कर रख देते हैं कि अभी सरला जी शीतल जल से इन्हें भर देंगी। पंजाब में छबील और लंगर की प्रथा को आज पूरा देश सराहता भी है और अपनाता भी है। पुखराज सरला जी को उनके निर्मल प्रयासों के लिए सलाम करता है।